Hi guys, welcome to Veena Creation. Today I am explaining you the poem The Rebel of class 7th. Before starting the poem, if you have not subscribed my channel, then subscribe it and touch the bell button also so that you can get new videos. Now the poem is The Rebel. Do you know anyone who always disagrees with you or your friends or likes to do opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. इस पोयम में विद्रोही के चरित्र के बारे में बताया गया है. विद्रोही तो वह व्यक्ति होता है जो समाज में एक दूसरे के विपरीत सब कुछ करता है. इस पोयम में यह एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो विद्रोही होता है वह हमेशा दूसरों के अपोजिट ही काम करता है, जो अलग से दिखने की इच्छा रखता है, मीन्स वो दूसरों से अलग दिखना चाहता है. अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए कि ऐसे व्यक्ति आमतौर पर क्या क्या करते हैं. नाउ रीड द पोयम. व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रिबल लेट्स हिज हेयर्स ग्रो लॉन्ग. व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर द रिबल कट हिज हेयर शॉर्ट. ये लोग क्या करते हैं रिबल, जब इनके शॉर्ट किसी के शॉर्ट हेयर होते हैं तो ये अपने हेयर्स को लॉन्ग कर देते हैं, और जब किसी के लॉन्ग हेयर्स होते हैं तो ये अपने बालों को छोटा छोटा कटवा देते हैं. व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबल डज नॉट से अ वर्ड. व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस. जब हर कोई क्लास में चैप्टर का के बारे में बात हो रही होती है तो ये जो रिबल होते हैं वो चुप रहते हैं, और जब सभी चुप रहते हैं तो जो रिबल होते हैं वो क्या करते हैं, क्लास में अशांति फैलाते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं. व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म द रिबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स. व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स द रिबल ड्रेसेस सोबरली. जब क्लास में यूनिफॉर्म पहनकर सब बच्चे जाते हैं तो रिबल क्या करते हैं, फैंटास्टिक क्लॉथ पहनकर आते हैं, रंग बिरंगे कपड़े डालकर आते हैं, और जब सब फैंटास्टिक क्लॉथ पहनकर आते हैं तो रिबल जो है वो ड्रेस्ड होते हैं सोबरली. इन द कंपनी ऑफ द डॉग लवर्स द रिबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबल पुट्स इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स. जब दूसरे लोग कुत्तों के प्रति अपनी पसंद बताते हैं तो वो क्या करते हैं, कैट को प्रेफरेंस देते हैं, और जब कैट को प्रेफरेंस देते हैं तो वो डॉग को बताते हैं कि डॉग ज़्यादा अच्छे हैं. इस तरह से उनको कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो हमेशा अपोजिट ही बात करते हैं. व्हेन एवरीबडी इज़ प्रेजिंग द सन द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन. व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन द रिबल ग्रीट्स द एब्सेंस ऑफ सन. जब दूसरे सूरज की बात करते हैं तो वह बारिश की कामना करते हैं, जब अन्य बारिश की बात करते हैं जो रिबल होते हैं वो धूप की कामना करते हैं. व्हेन एवरीबडी गोज टू अ मीटिंग द रिबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक. व्हेन एवरीबडी स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक द रिबल गोज टू द मीटिंग. जब सभी लोग मीटिंग में जाते हैं तो विद्रोही जो है वो घर पे रह के बुक्स पढ़ना पसंद करता है, और जब अन्य लोग जो हैं वो घर पे रह के किताब पढ़ते हैं तो जो रिबल होता है वो मीटिंग में जाता है. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. जब सभी लोग yes बोलते हैं तो rebel जो है वो no thank you बोलता है. जब सभी लोग no thank you बोलते हैं तो ये वो yes please बोलता है. यह बहुत अच्छा है कि हमारे पास रिबल्स हैं, हमारे पास विद्रोही हैं. तुम विद्रोही को इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते. एक विद्रोही होना बहुत अच्छा है. वह कुछ भी करेगा विद्रोही, पर कुछ ऐसा नहीं करेगा जो दूसरे लोग कर रहे हैं. वह हमेशा डिफरेंट करेगा, उससे अपोजिट करेगा. द पोएम इज़ कम्प्लीटेड. कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. First, if someone does not wear a uniform to school, what do you think the teachers will say? Answer is, the teachers would scold the student who would not be dressed in the school uniform while coming to the
स्कूल, टीचर्स क्या करेंगे, उसको पनिश करेंगे अगर वो स्कूल ड्रेस में नहीं आया। क्वेश्चन टू, व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, व्हाट डज द रिबेल वांट्स मोस्ट? आंसर इज व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, द रिबेल वांट्स द सन। क्वेश्चन थ्री, इफ द रिबेल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट आई एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? Answer is, if the rebel has a dog for a pet, the others, the most likely to be a cat lovers. Then next, fourth is, why is it good to have rebels? Answer is, it is good to have rebels because they are different and they teach us to be able to accept and tolerate differences. Now question fifth, why is it good to have a rebel oneself? Answer is, it is not good to have a rebel oneself because the society never accept a rebel and always criticize his behavior. Next question is, would you like to have a rebel? If yes, why? If not, why not? Answer is, I would like to be a rebel because a rebel is able to think individually. Now come to the question 2. Find in the poem an antonym, a word opposite in the meaning for each of the following words. First is long, short, grow, cut, quietness, disturbance, sober, fantastic, lost, fine. Question 3. Find in the poem lines that match the following. Read both one after the other. The rebel refused to cut his ears. Answer is, the rebel let his hair grow long. Then next is, he says cats are better. Answer hoga iska, he put in a good word for dogs. Third is, he recommends dog. Answer is, he has a preference for cats. Fourth is, he is unhappy because there is no sun. Answer is, when everybody is greeting the rain. Next is, he is noisy, no purpose. Answer is, when nobody talks during the lesson. Guys, if you like the video, share with your friends.